बरौनी थर्मल पावर दोनों ठप है, दोनों बंद कर दिया पिछली सरकार ने। नीतीश जी ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को अगर बिहार का उत्पादन ठप है, बिहार में बिजली का उत्पादन अगर शून्य है और बरौनी और कांटी का थर्मल पावर अगर बंद है, इसमें बिहार की जनता का क्या दोष है? बिहार की जनता तो बिजली चाहती है और बिजली देना है, चाहे किस दर पर खरीदना पड़े खरीदिए और 22 घंटा बिजली बिहार के गांव गांव तक पहुंचाने का काम। ये परिवर्तन हो, ये परिवर्तन हो। पिछले एक तरफ 15 साल का राज भी आपने देखे, दूसरी तरफ जो परिवर्तन का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, वो भी आपने देखा। नीरज जी बोल रहे थे कि बिहार में जब झारखंड में बिहार का बंटवारा हो गया तो बिहार में चर्चा का विषय था कि आप बिहार में क्यों होते हैं, बिहार के अंदर कुछ हो गए को उपाय नहीं थे, पैटी सब फैक्ट्री तैक्ट्री खदान तदान कोयला अब रख सब चले झारखंड में, अब तक बिहार में बचले खाली लालू आलू बालू। आज बिहार का विकास दर पता है आपको कितना है? बिहार का विकास दर आज 10.3% है, जो पूरे राज्य में पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार का विकास दर है। 23,000 करोड़ का बजट बनता था, आज 2 लाख करोड़ का बजट बन रहा है। कहां से पैसा आ रहा है? इसी बिहार से पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा जो बिहार में आ रहा है वो सरकार के खजाने में जा रहा है, चारा खाने में नहीं जा रहा है, अलकतरा पीने में नहीं जा रहा है, घोटाले में नहीं जा रहा है। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने दिखाया। इसलिए साथियों आपसे हम आग्रह कर रहे हैं, हम सब लोग आग्रह कर रहे हैं, तब कहे आपको करना है। चुनाव तो हुआ था यहां 2020 में, चुनाव हुआ था और 2020 में चुनाव हुआ था 5 साल के लिए आप लोगों ने मेवालाल चौधरी जी को जिता के भेजा था। अब बीच में असामयिक निधन हो गया उनका कोरोना के कारण। कोरोना के बारे में भी श्याम संजीव श्याम जी ने बताया, आज बिहार में कोरोना शून्य है और 1.5 लाख टेस्ट रोज करवा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ताकि कहीं भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है इस पर नजर रखिए। रोज 1.5 लाख टेस्ट होता है, आज भी जब बिहार में कोरोना शून्य है तब भी 1.5 लाख लोगों का टेस्ट होता है। ये परिवर्तन हुआ और अभी सजग है, वो कह रहे हैं कि छठ है, दिवाली है, बिहार के बहुत बाहर से लोग आएंगे बिहार में, सब का टेस्ट कराते रहिए और कहीं भी कोरोना को फैलने मत दीजिए, तुरंत उस पर नियंत्रण करने का काम बिहार में काम हो रहा, हर क्षेत्र में काम हो रहा। तो आपको तय करना है, आपको तय करना है। हम अभी देखिए 5 दिन पहले मुंगेर में 49 लाख रुपए लूट लिया सर, लूट लिया तो लूट लिया, हुआ क्या अपराधी है लूट लिया? 12 घंटे के अंदर मुंगेर की पुलिस ने 44 लाख रुपया रिकवर कर लिया। कहां से रिकवर कर लिया? यही असरगंज के कोई चोर गांव से। कौन सा राज लाना चाहते हैं? और बकसने वाले नहीं है, लालू जी का राज अगर होता तो चोरगांव के जो लोग यहां से पैसा रिकवर हुआ, पुलिस का साहस नहीं था कि उस पर कार्रवाई करती। पुलिस पटना फोन करके पूछती कि फलनवा सर लूट लिया 49 लाख रुपया, कार्रवाई करना है कि नहीं। वहां से खबर आता, अरे छोड़ो लड़का बच्चा है, खाने पकाने के लिए ले लिया, लूटने दो, क्या करे। ये अंतर था। और आज नीतीश कुमार जी के राज में पुलिस प्रशासन को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपराध होता है, अपराधियों पर नकेल कसते हैं, अपराधियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करते हैं और पैसा रिकवर करते हैं। ये अंतर। इसलिए साथ में आप चाहते हैं कि आपको तय करना, लोकतंत्र में तो आप मानिए, प्रजातंत्र में तो आप मालिक हैं, आपको तय करना है कि कैसी सरकार आपको चाहिए। 15 साल पहले वाले
अराजकता वाली सरकार चाहिए या नीतीश कुमार का जो शासन है, जो अमन चैन भाईचारा और आपसी सद्भाव कायम है, विकास का काम हो रहा है, वैसी सरकार चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में बेहतर काम किया है, तो आपका एक एक वोट तीस छाप पर बटन दबाकर नीतीश कुमार जी को बोलना चाहिए। राज्य जी जीतेंगे, नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत होगा, नीतीश कुमार जी का मनोबल बढ़ेगा, और अगर मनोबल बढ़ेगा तो बिहार के विकास की गति और तेज दौड़ेगी। यही आग्रह और अपील करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत